पहला सेक्स का अनुभव जो है उसमें क्या देखना चाहिए या क्या समझना चाहिए, इसकी बातचीत आज करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। देखिए पहला सेक्स जब होता है, मतलब कभी किसने सेक्स किया नहीं है, शादी हो गई है और फर्स्ट नाइट है, और फर्स्ट नाइट में अभी सेक्स पहली बार ही मतलब कर रहा है, तो एक वो बहुत टेंशन वाला कार्यक्रम हो सकता है। वो चिंता है, टेंशन है, घबराहट है, बेचैनी है, होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होऊंगा, कैसा होऊंगा, इस तरह का एक दिमाग में रहता है। पहले से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो फिर कुछ नहीं, वो तो एक्सपीरियंस है, पुराना खिलाड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर इसमें कभी भी हर पार्टनर चाहता है कि हमको एक्सपीरियंस आदमी नहीं होना, एक्सपीरियंस बुरा होता है, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता है। आपको गर्लफ्रेंड है, उसके साथ में पहला आपको अनुभव लेना है, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो हम पहले देखेंगे कि भी शादी के बाद में जो फर्स्ट नाइट है उसमें क्या करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत ज्यादा तनाव है, चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है, शक है, अपने खुद के बारे में शक है, करूंगा नहीं करूंगा। कहते हैं फर्स्ट नाइट में ऐसा हो सकता है कि एक तो तनाव आया ही नहीं घबराहट बेचैनी के हिसाब से, या तनाव आ गया, जितना तनाव चाहिए उतना तनाव नहीं आया, तो फिर सेक्स नहीं कर सका, या फिर तनाव आ गया जल्दी डिस्चार्ज हो गया और फिर समाधान नहीं हुआ, या फिर जो दिमाग में था वैसा नहीं हुआ, तो एक एक्सपेक्टेशन था, जो अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ। अच्छा फर्स्ट नाइट में क्या है कि लड़की को तो कुछ करना ही नहीं है, जो करना है वो लड़के को करना है, क्योंकि इरेक्शन लड़के को आना चाहिए, लड़की को वैसा कुछ नहीं करना है, लड़की को तो सिर्फ अकोमोडेट करना है पेनिस को अपने वजाइना में। तो फिर एक ये देखना चाहिए लड़के ने कि भाई क्या मैंने इतना टेंशन लेना चाहिए क्या, जब कभी किया ही नहीं सेक्स, तो क्या पहले इसमें मैं सक्सेसफुल हूंगा, ऐसा टेंशन लेके मैंने जाना चाहिए क्या? क्योंकि हो सकता है, देखो आपने, मैं हरदम एग्जाम्पल देता हूं कि आपने साइकिल चलाना सीखा, क्या पहले इसमें आपने साइकिल पे टांग लगा के चालू कर दिया साइकिल चलाना? नहीं, गिर गए, मार लग गई, चोटें आ गई, और बाद में दो चार बार आठ दिन के बाद में आपको साइकिल आना चालू हो गया। आप जिम में जाते हो, आप मसल आपकी बिल्ड करते हो, क्या एक जाने के बाद में एक दिन में मसल बिल्ड हो गई? नहीं। वैसे सेक्स जो है गेम है, इसमें भी कौशल्य चाहिए, इसमें भी मसल बिल्ड करना पड़ता है, और उसमें भी एक्सपीरियंस तजुर्बा लेना पड़ेगा, और उसके लिए फिर कुछ दिन जाने पड़ेंगे, कुछ दिन जाएंगे तजुर्बा आएगा, प्रैक्टिस होंगी, और बाद में फिर कर सकेंगे। तो इसलिए दोनों का एजुकेशन होना जरूरी है, स्पेशली लड़की का, क्योंकि लड़कियों को कुछ ना कुछ दिमाग में भरा जाता है कि पहली नाइट सुहाग रात मतलब ऐसी होती है, सुहाग रात में ऐसा होता है वैसा होता है, और फिर उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वो भी उसका भ्रम दूर हो जाता है, यार ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, और फिर प्रॉब्लम आ जाता है, और वैसे लड़के का होता है। तो ये सब प्रॉब्लम डालने के लिए नंबर एक एजुकेशन दोनों का, नंबर दो कि भाई पहला नाइट फर्स्ट नाइट मतलब आखिरी नाइट नहीं है, पहली नाइट है, और उसमें हो सकता है कि फेल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रैक्टिस करते 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 वो गेम में अपन प्रवीण हो जाएंगे, या प्रावीण मिलेगा, या अपन बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप दिमाग में रखते हैं तो प्रॉब्लम आएंगा नहीं। अब दूसरा है कि गर्लफ्रेंड के साथ में पहली बार करते हैं तो फिर क्या है? अब गर्लफ्रेंड के साथ में पहली बार करते हैं, देखो सेम थिंग है, फिर वही टेंशन है, धड़कन है, होऊंगा नहीं होऊंगा, घबराहट है, और वहां और एडिशनल है, कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, शादी के बाद में कम से कम ये तो भी नहीं रहता है, तो वहां क्या मैं खरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मतलब ऐसे काफी सारा ये रहता है, और उसमें क्या होता है, उसमें जल्दी गिर जाने के चांसेस ही ज्यादा होते हैं, अर्ली इजैकुलेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और फिर उसमें फिर वही खुद के बारे में एक गिल्ट, खुद के बारे में कि मैं कमजोर हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, मैं मर्द नहीं हूं, ऐसे कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच विचार आना चालू हो जाते हैं, और उसमें फिर सेकंड डे का आदमी या सेकंड टाइम का आदमी इंतजार करता है। शादी के बाद में भी होता है कि ठीक है आज नहीं जमा, फिर कल देखते भी क्या होता है, फिर आज रात से कल रात तक दिमाग के ऊपर टेंशन है, अब होता कि नहीं होता, अब क्या होगा, आज रात को क्या होगा, दिन भर वही टेंशन है, और फिर सेकंड टाइम भी फेल हो गए तो फिर पक्का ही मत हो जाता है कि अभी तो मैं कुछ काम का हूं नहीं, मेरे से जमता नहीं, और तब तक यदि लड़की को इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है तो फिर वो समझ जाती है कि ये आदमी ना भर दे, इसको जमता नहीं है, और तुरंत डिवोर्स तक बात चले जाती है। तो गिल्ट महसूस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस हो सकता है कि फर्स्ट नाइट में आएगा नहीं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, दोनों ने शांति रखने की जरूरत है, धीरज रखने की जरूरत है, तो धीरज रखेंगे तो धीरज का फल मीठा होता है, धीरज रखेंगे तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, कोई चिंता का काम नहीं है, मगर यदि जल्दी करेंगे
तो प्रॉब्लम है। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा हुआ है कि फर्स्ट नाइट हो गई, सेकंड नाइट हो गई, थर्ड नाइट को मतलब दिन में लड़की बोल देती कि देखो दो नाइट तो आपने करनी, आप कर नहीं पाए, अभी तीसरे नाइट को आप जमे तो मैं निकल जाऊंगी। फिर तो उसका और टेंशन बढ़ जाता है कि दो नाइट में कर नहीं सका, आप तीसरे नाइट में नहीं जमा तो ये तो निकल जाने वाली है, अपने नाम की बोम करेंगी और फिर अपना नाम खराब हो जाएगा, अब कैसा, और तीसरे नाइट में फिर जमता ही नहीं। अभी बहुत ही समझो कि इसको डर है, इसके बारे में चिंता है, भय है, तो फिर इस समय कुछ लोग सिल्डेनाफिल का ट्राई कर सकते हैं, ट्रालाफिल का ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि समझो डर भी है, तभी भी ये दवाई खाने से कुछ ना कुछ इरेक्शन आ जाएगा, हो सकता है बहुत अच्छा इरेक्शन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो एंटी एंग्जाइटी दवाई कुछ ले सकते हैं कि जो एंग्जाइटी कम करेंगी, और फिर इससे अच्छा सेक्स हो सकता है। तो नंबर एक, काउंसलिंग सेक्स के बारे में, धीरज, चिंता, टेंशन नहीं, प्रैक्टिस और मेडिसिन का सहारा। समझो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो ये सब करेंगे तो आपकी सुहागरात अच्छी हो जाएंगी, और ये सब करेंगे तो आपकी सुहागरात अच्छे हो जाएंगे, सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा और दोनों भी एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।